तो मेरा नाम कुशाल कुमार, ये टाटा टियागो का बिल्कुल बेस वेरिएंट 5,40,000 रुपीज के एक्स शोरूम प्राइस पर आपको इस कार का बिल्कुल बेस वेरिएंट मिल जाता है। फीचर्स भले से आपको ना मिले इस कार के बिल्कुल बेस वेरिएंट में, पर लेकिन 5,40,000 रुपीज में आपको 4-star सेफ्टी रेटिंग मिल जाती है, जो कि आपको कोई और कार ऑफर नहीं करती है इतने प्राइस में। तो चलिए फिर देख लेते हो क्या क्या फीचर्स आपको इस कार के बिल्कुल बेस वेरिएंट में मिल जाते हैं, कैसा इस कार का इंटीरियर रहने वाला और कैसा रहने वाला है इस कार का एक्सटीरियर लुक। चलिए फिर स्टार्ट करता हूँ मैं सबसे पहले इस कार की की से ही। तो रिमोट सेंटर लॉकिंग की तो आपको उसके बेस वेरिएंट में नहीं मिलने वाली है, कुछ इस तरह की आपको उसमें की मिल जाएगी मैनुअली, जिस पर आपको टाटा का लोगो मिल जाएगा और दोनों की आपको सेम मिलने वाली है। अब इसकी चाहे फ्रंट प्रोफाइल देखे जाए, इसकी साइड प्रोफाइल देखे, देखने में काफी बढ़िया लगती है। फ्रंट से देखने में आपको नहीं लगेगा इस कार का बिल्कुल बेस वेरिएंट है, पर लेकिन जैसे ही आप इस कार की साइड प्रोफाइल को देखेंगे, जैसे आप जैसे यहाँ पर आपको स्टील व्हील्स मिल जाते हैं, व्हील कवर्स आपको इसके बेस वेरिएंट में नहीं मिलेंगे, पर लेकिन फ्रंट प्रोफाइल में क्रोम का जैसे पियानो ब्लैक फिनिश हो गई आपको भरपूर मिलने वाली है, जिस वजह से इस कार की जो फ्रंट प्रोफाइल है वो देखने में बहुत बढ़िया लगती है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको क्रोम मिल जाएगा एक हेडलाइट से लेकर दूसरी हेडलाइट तक, बीच में हो गया टाटा का लोगो और पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाएगी आपको इसकी ग्रिल में। और ये रही इस कार की हेडलाइट, हेलोजन हेडलैम्प मिल जाएंगे आपको इसमें, इंडिकेटर में हो गया बल्ब और नीचे साइड आपको फोग लैंप देखने के नहीं मिलेंगे, यहाँ पर होगी पियानो ब्लैक फिनिश। फिर ओवरऑल जो लगती है इस कार की फ्रंट प्रोफाइल कुछ तरह की लगती है। और ये रही इस कार की साइड प्रोफाइल, 14 इंच के आपको उसमें स्टील व्हील्स मिल जाएंगे, व्हील कवर्स आपको उसमें नहीं मिलने वाले हैं, गुडियर के टायर रहने वाले हैं ये 175/65R 14 इंच की प्रोफाइल। इंडिकेटर हो गया फेंडर पे इस कार के, ओआर में जो रहने वाले हैं वो ब्लैक कलर के हो गए और डोर हैंडल भी आपके ब्लैक कलर के हो गए, ऊपर एक सेट कुछ तरह का रहने वाला है। और आप इंटीरियर भी देखिए इस कार का कुछ तरह का मिल जाएगा, इंटीरियर में हम चलेंगे इस कार के, देखने में काफी बढ़िया लग रहा है इंटीरियर। फ्यूल लीड हो गया आपका इसका को ड्राइवर साइड, फ्यूल टैंक कैपेसिटी इस कार की 35 लीटर की है, फिर कुछ तरह की लगती है साइड से देखने में। और ये रही बैक प्रोफाइल इस कार की, से आप जैसे देखने बैक से भी देखने में कोई नहीं कहेगा इस कार का बिल्कुल बेस वेरिएंट है। ऊपर साइड आपको इंडिकेटेड स्पॉइलर मिल जाएगा, उसी पर हो गया हाई माउंट स्टॉप लैंप, पियानो ब्लैक फिनिश दी जाएगी आपको यहाँ पर, वोकल फॉर लोकल का हो गया स्टीकर, रेयर बाइफर डिफोकर, बहुत से जैसे फीचर्स आपको इस कार के बिल्कुल बेस वेरिएंट में नहीं मिलने वाले हैं। टाटा का लोगो हो गया, टियागो लिखा गया स्पेस देकर, और कार की बूट को अनलॉक करने के लिए आपको यहाँ पर की लगाने का ऑप्शन दिया जाएगा, फिर आपका जो कार का जो बूट है वो अनलॉक हो जाएगा। पांच से ट्रे आपको नहीं मिलने वाली है इसमें, 242 लीटर का बूट स्पेस दिया जाएगा आपको इस कार में। और यहाँ पर आपको स्पेयर व्हील दिया जाएगा, टूल किट हो गई। और ये रही इसकी टेल लाइट, हैलोजन बल्ब मिल जाएगा आपको उसकी टेल लाइट में, इंडिकेटर बैक लाइट में हो गया बल्ब, पार्किंग सेंसर्स हो गए, दो पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे आपको। फिर ओवरऑल कुछ तरह की लगती है इस कार की बैक प्रोफाइल, वैसे आपने देखा कुछ इतने फीचर्स मिल जाते हैं आपको एक्सटीरियर से, चाहे इसकी फ्रंट प्रोफाइल देखें चाहे इसकी बैक प्रोफाइल देखें, आपको नहीं लगने वाला है इस कार का बिल्कुल बेस वेरिएंट है, पर लेकिन जैसे ही आप इसकी साइड प्रोफाइल को देखते हैं तो आपको उसमें पहले आपकी नजर जाएगी इसके स्टील व्हील्स पर, व्हील कवर्स आपको नहीं मिलते हैं, डोर हैंडल्स आपको बॉडी कलर के नहीं मिलेंगे, ब्लैक कलर के आपको डोर हैंडल दिए जाएंगे, ये वाला डोर हैंडल ब्लैक कलर का हो गया, और ORVM जो है वो आपका वो भी ब्लैक कलर का हो गया, इंडिकेटर फेंडर पे हो गया। कुछ ऐसी कमियां हैं जो आपको उसके टाटा टियागो के बेस वेरिएंट में मिलेंगी, पर लेकिन 5,40,000 रुपीज जो इस कार का एक्स शोरूम प्राइस है उसमें काफी बढ़िया रहने वाली है कार। सेफ्टी को अगर आप देखते हैं तो 4-star सेफ्टी रेटिंग ऑफर करी जाती है टाटा टियागो में, तो आप उन चीजों को देखते हैं तो आप इसको नजरअंदाज कर देंगे। और इंटीरियर भी इस कार का काफी प्रीमियम रहने वाला है सेगमेंट में, और जो कार्स आती है इतने प्राइस में, इंटीरियर को भी दिखा देता हूँ मैं आपको इस कार के। ये रहा इस कार का ड्राइवर साइड डोर, डुअल कलर में मिलने वाला आपको इंटीरियर इस कार का, डोर भी आपको डुअल कलर में मिल जाएगा, देखने में बहुत बढ़िया लगता है। डोर ओपनर हो गया आपका ब्लैक कलर का, पावर विंडो आपको नहीं मिलेंगी, मैनुअली करनी पड़ेगी आपको। स्पीकर की हो गई सिर्फ यहाँ पर हाउसिंग, वाटरप्रूफ का स्पेस है, डॉक्यूमेंट रखने का स्पेस, और बाहर से देखने में कुछ तरह का लगता है इंटीरियर इस कार का। ड्राइवर सीट अटैचमेंट का फीचर नहीं है इसमें, रिक्लाइन करने का मिल जाएगा आपको सिर्फ। इस कार में आपको मैनुअल सेंटर लॉकिंग भी नहीं मिलेगी, आपको एक एक डोर को अनलॉक करना पड़ेगा। और ये रहा इस कार का बैक डोर, डोर ओपन हो गया आपका ब्लैक कलर का, वाटर बॉटल के लिए स्पेस है, डॉक्यूमेंट रखने के लिए स्पेस, मैनुअली विंडो, वाटर स्पीकर की हाउसिंग। तो ये रहा इस कार का इंटीरियर, जैसे आप देख सकते हैं डुअल कलर में मिल जाएगा जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, पियानो ब्लैक फिनिश भी मिल जाएगी इसके बेस वेरिएंट होने के बाद भी, जैसे यहाँ पर पियानो ब्लैक फिनिश हो गई, एसी वेंट्स के यहाँ पर पियानो ब्लैक फिनिश हो गई। और ये रहा इस कार का स्टीयरिंग व्हील, यहाँ पर भी आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाती है, टाटा का लोगो हो गया, और देखने में जो है स्टीयरिंग व्हील वो बहुत बढ़िया लगता है। अब चलिए फिर मैं आपको इस कार का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखा देता हूँ, जैसे आप देख सकते हैं फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाएगा बेस वेरिएंट होने के बाद भी,
डिजिटल रहने वाला है, बीच में आपको कुछ बड़े साइज की मिल जाएगी एमआईडी। ये नहीं कि बेस वेरिएंट तो कोस्ट कटिंग करी जाए, यहाँ पर भी आपको सिल्वर फिनिश मिल जाएगी जैसी आपको टॉप ब्रांडो मिलती है। और यहाँ पर आपको स्टिक मिल जाएगी ट्रिप रिप लगाने के लिए, और आपको इन्फॉर्मेशन काफी मिलती रहेंगी इसमें, एवरेज क्या मिल रहा है आपको, टेम्परेचर एवरेज सब कुछ दिखता रहेगा। ऊपर की साइड हो गया टाइम। और ये कार का ड्राइवर साइड एसी वेंट, यहाँ पर आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाएगी। इंटरनली एडजस्ट करने पड़ेंगे आपको ओआरएम इस कार के, यहाँ से आप इजीली कर सकते हैं। और ये कार का सेंटर कंसोल, आपको यहाँ पर कोई भी इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं मिलेगा, सिर्फ यहाँ पर उसकी हाउसिंग मिल जाएगी। हजार्ड लाइट का बटन हो गया, पियानो ब्लैक फिनिश हो गई, और मैनुअल एसी दी जाएगी आपको इस कार में। और 12 वोल्ट का पावर सॉकेट हो गया, थोड़ा सा स्पेस है यहाँ पर। 5 गियर मैनुअल ट्रांसमिशन में रहने वाली है कार, कुछ इस तरह का गियर नोब लगता है। कप होल्डर्स हो गए, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस है। और ये रहा हैंड ब्रेक इस कार का। अब चलिए फिर मैं आपको इस कार का ग्लव बॉक्स दिखा देता हूँ, कुछ इतना स्पेस मिल जाएगा इस कार के ग्लव बॉक्स में। और मोबिलिटी किट दी जाती है आपको इस कार में, स्पेयर व्हील भी मिल जाएगा, कुछ ये चीजें मिल जाएगी। अगर आपकी कार में पंचर हो जाए तो आप इजिली इससे कर सकते हैं। और इसमें आपको एक पंप भी मिल जाता है। ये नहीं कि बेस वेरिएंट तो आपको ऐसी चीजें नहीं मिलेंगी, ये चीजें भी आपको मिल जाएंगी। और ये इसकी सीट्स फैब्रिक सीट्स रहने वाली हैं, ट्राई एरो डिजाइन बना हुआ है यहाँ पर। और फ्रंट में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएंगे, कैबिन लैंप हो गया आपका यहाँ पर एलईडी में। ये रस कार का सनवाइजर, वैनिटी मिरर तो आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, सिर्फ टिकट होल्डर मिल जाता है। ये रस का आईआरबीएम, यहाँ पर आपको मैनुअली डे नाइट एडजस्टमेंट नहीं मिलेगी। ये रहा को ड्राइवर साइड का सनवाइजर, वैनिटी मिरर आपको यहाँ पर भी नहीं मिलता है। ये रहा ग्रैब हैंडल। फिर ओवरऑल जो लगता है इस कार का डैशबोर्ड वो आप देख सकते हैं, मैनुअली विंडो करनी पड़ेगी आपको यहाँ पर। बटर रोड स्पेस है, डॉक्यूमेंट रखने की स्पेस है। तो चलिए फिर ओवरऑल कुछ तरह का था फ्रंट सीट पर बैठकर। अब चलिए फिर चल लेता हूँ मैं इस कार की रेयर सीट पर, आपको कितना स्पेस मिल जाएगा वहां पर मैं दिखा देता हूँ अपनी ड्राइवर सीट को हाइट के हिसाब से एडजस्ट करने के बाद। मेरी हाइट 6 फीट है, तो हिसाब जैसे कुछ इतना लेग रूम मिल जाएगा इस कार में। और रेयर सीट पर बैठकर कुछ तरह का लगता है डैशबोर्ड इस कार का। कैबिन लैंप यहाँ पर हो गया जैसे मैंने आपको दिखाई दिया था। रियर सीट पर भी काफी ब्राइटनेस रहेगी इसकी। ग्रैब हैंडल हो गया, फ्रंट में एडजस्टेबल हेडरेस्ट, पर लेकिन आपको बैक में एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलते हैं, फिक्स्ड हेडरेस्ट मिल जाएंगे। और यहाँ पर हो गया बटर बोर्ड के लिए स्पेस, जैसे आप देख सकते हो इतने साइज का आपको यहाँ पर बम्प मिल जाता है। फ्लैट सर्फेस तो बिल्कुल भी नहीं रहने वाली है। तो वही ओवरऑल कुछ तरह का लगता है इंटीरियर कार का, जैसे कि आप देख सकते हैं काफी बढ़िया लगता है। तो इस कार में आपको 1200 सीसी का इंजन मिल जाता है, 1.2 लीटर रेवेट्रॉन इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 85 BHP की पावर, 13 Nm का टोर। इस कार में आपको 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगी। और क्या क्या डायमेंशन है इस कार की वो आपकी स्क्रीन पर शो ही होंगी। जैसे मैंने आपको बताया जाए इस कार ने ग्लोबल एनकैप में 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग स्कोर करी है। इस कार में आपको सेफ्टी के नाम पर ABS, BDVD, सीट बेल्ट वार्निंग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम जैसे फीचर्स मिल जाएंगे। और मोबिलिटी किट तो हो ही गई आपकी। तो चलिए फिर कुछ तरह के फीचर्स मिल जाते हैं आपको टाटा टियागो के बिल्कुल बेस वेरिएंट में। जैसे मैंने आपको बताया दिया था इस कार का एक्स शोरूम प्राइस जो कि 540,000 रुपीज का था। इतने प्राइस में आपको और कोई कार नहीं मिलती जो इतनी सेफेस्ट मिल जाए, और देखने में इतना बढ़िया लुक हो उस कार का। फ्रंट प्रोफाइल देखे चाहे उसकी साइड प्रोफाइल देखे चाहे बैक प्रोफाइल देखें, काफी बढ़िया लगती है सेगमेंट में। और इंटीरियर भी इस कार का काफी प्रीमियम है, नहीं लगता इस कार का बिल्कुल बेस वेरिएंट है। लेकिन आपको उसमें काफी सारी चीजें करानी पड़ेंगी आफ्टर मार्केट, या फिर आप इसको शोरूम से भी करवा सकते हैं, या फिर अगर आपको स्टेपर वेरिएंट की वीडियो देखनी है एक्सएम वेरिएंट की, तो उसको भी मैंने अपने चैनल पर डाल रखी है, आप वहां से जाकर उसको देख सकते हैं। अगर आपको और फीचर चाहिए कंपनी फिटिटी, तो चलिए वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको फ्यूचर में ऐसी वीडियो देखनी है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।